एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि रोटी पलटने का वक्त आ गया है। किसी ने मुझसे कहा कि रोटी सही समय पर पलटनी है, न पलटे तो कड़वी हो जाती है। शरद पवार ने मुंबई में युवा मंथन कार्यक्रम के दौरान ये बात कही। इस पर अजित पवार ने कहा कि नए चेहरों को आगे लाना एनसीपी की परंपरा रही है। अजित पवार ने कहा कि पवार साहब ने 55 से 60 साल के अपने करियर में कई बार संगठन में सुधार किया है। हमने देखा है कि कैसे नए चेहरों को मौका दिया जाता है और आगे बढ़ाया जाता है। आरआर पाटिल, दिलीप वालसे पाटिल, छगन भुजबल, सुनील तटकरे और यहाँ तक कि मुझे भी अपना काम दिखाने का मौका मिला। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि विधायक, सांसद, सहकारी क्षेत्रों और पार्टी संगठनों में नए चेहरे सामने आए। पार्टी में यह पुरानी परंपरा रही है कि नए चेहरे आगे आते हैं और पुराने चेहरों को हटा दिया जाता है। शिवसेना के प्रवक्ता नरेश महस्के ने दावा किया कि शरद पवार की टिप्पणी का मतलब है कि वह अजित पवार को दरकिनार कर देंगे। उन्होंने कहा कि एक बच्चा भी समझ जाएगा कि शरद पवार की रोटी वाली टिप्पणी का मतलब यह है कि वह पार्टी में एक नए नेतृत्व का सुझाव दे रहे हैं। इसका मतलब है कि वह अजित पवार को दरकिनार कर देंगे। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।